हेलो गाइस, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और ये वाली वीडियो लेट आ रही है एज़ यूजुअल। और गाइस, मैंने यहाँ पे दो थंबनेल रखा है, आप लोग मुझे बताना है इसमें से कौन सा थंबनेल आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं वही वाला थंबनेल अपनी वीडियो पे लगा दूँ। अभी मुझे सेकेंड वाला थंबनेल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसके लिए ये वाला थंबनेल लगाया अपनी वीडियो पे। तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताना ज़रूर कि आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है। और अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इंट्रो लगाते और शुरू करते। स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि कोमी सो रही रहती है, तभी उसे कोई बाहर से आवाज़ लगाता है। तो कोमी उठ के देखती है तो हमें पता चलता है कि तादनो और नाजमी उसे आवाज़ लगा रहे रहते हैं। और जब कोमी तैयार होकर नीचे जाती है तो वो देखती है कि तादनो तो सो गया और नाजमी उसे मार मार के जगा रही रहती है। और तादनो के जागने के बाद कोमी नाजमी से पूछती कि उसने इतना जल्दी उसे क्यों उठाया। तो नाजमी उसे बताती कि कल रात को उसे नींद नहीं आ रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि कल स्नोफॉल हो रहा था। तो सुबह 5 बजे उठ के तादनु के घर पे गई और उसे उठा के यहाँ पे लेके आई। और अभी 6 बज रहे, तो कोमी ने इसीलिए पूछा था कि उसने इतना जल्दी उसे क्यों उठाया। और इतना सारा बताने के बाद नाजमी बोलती है कि चलो हम तीनों मिलके स्नोमैन बनाते हैं। और नाजमी के बोलने से पहले ही हम देखते हैं कि तादनु ने एक अलग से अपना छोटा सा स्नोमैन बना के रखा हुआ है। और फिर ये तीनों मिलकर एक बड़ा सा स्नोमैन बनाते हैं। और स्नोमैन बनने के बाद नाजमी बोलती है कि जाके तुम ये सारी चीज़ें लेके आओ। और सारी चीज़ें आने के बाद ये तीनों मिलकर स्नोमैन को सजाते हो और पूरी तरीके से रेडी कर देते। और तभी कोमी की मॉम आती हो और बोलती है कि चलो तुम तीनों सूप पी लो। तो ये सुनकर तादनु और नाजमी सूप पीने के लिए चले जाते हैं। और कोमी देखती है कि तादनु ने एक अलग से छोटा सा स्नोमैन बना के रखा है जो कि बड़ा ही प्यारा लग रहा है। तो कोमी भी डिसाइड करती है और वो भी एक छोटा सा स्नोमैन बना के तादनु के स्नोमैन के बाजू में रख देती है। और वो जैसे ही रखती है तभी तादनु और नाजमी आ जाते हैं उसका सूप लेकर। और फिर वो तीनों सूप पीते हैं। और सूप पीने के बाद नाजमी बोलती है कि चलो सबको बुलाते हैं। और नाजमी सबको बुलाती है और यहाँ तक कि वो कोमी के गली के बच्चों को भी बुला लेती है। और सभी लोगों के आने के बाद नाजमी बोलती है कि चलो स्नोबॉल फाइट खेलते हैं, जिसका कि रूल बड़ा ही सिंपल है जो कि आप लोगों को भी पता ही रहेगा। जिसको भी स्नोबॉल लगा वो आउट हो जाएगा, जिसको नहीं लगा वो नहीं आउट होगा। और फिर यहाँ पर टीम डिसाइड होती है। सबसे पहली टीम रहती है नाजमी की, जिसमें कि सारे बड़े लोग रहते हैं। और फिर दूसरी टीम रहती है कोमी की, जिसमें कि सारे बच्चे लोग रहते हैं। और तादनु को ये चीज़ पता रहता है कि नाजमी ने ऐसी टीम जानबूझ के सिलेक्ट की कि कोमी की टीम थोड़ी कमज़ोर रहे। और फिर यहाँ पे गेम शुरू होता है। और गेम शुरू होते ही नाजमी पागलों की तरह स्नोबॉल फेंकना स्टार्ट कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ कोमी बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई रहती है। और तभी नाजमी थोड़ी चालाकी करते हुए कोमी की टीम के 3 मेंबर्स को एक झटके में आउट कर देती है। और यहाँ पे एक छोटा सा रोमांटिक सा सीन भी रहता है जो कि मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला। और फिर कोमी की टीम में खाली 2 ही मेंबर बचते हैं। और कोमी की टीम का दूसरा वाला मेंबर नाजमी की टीम को एनालाइज करता है और वो देखता है कि नाजमी तो पूरी तरीके से पागल है, वो आसानी से किसको आउट कर सकता है। तो वो तादनु और आगरी को आउट कर देता है, लेकिन वो इसी चक्कर में वो खुद भी आउट हो जाता है नाजमी के हाथों। और फिर यहाँ पे खाली कोमी बचती है और सामने ये 3। और फिर थोड़ा सा सीन आगे बढ़ता है तो हमें पता चलता है कि कोमी ने नाजमी और यादनों को आउट कर दिया है और उसके सामने खाली यमाई बची हुई है। और ये देखकर कोमी के टीम वाले भी शॉक हो जाते हैं पूरी तरीके से। और फिर थोड़ा सा सीन यहाँ पे फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जब कोमी अकेली बची हुई थी और सामने ये 3 थे तो नाजमी और यादनों कोमी को आउट करने वाले रहते, तो फिर ये यमाई से देखा नहीं जाता हो और यमाई जानबूझकर उन दोनों को ही आउट कर देती है और वो कोमी को नहीं आउट कर पाती। तो फिर कोमी आके उसी को आउट कर देती है और ये वाली गेम कोमी की टीम जीत जाती है, जो कि किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था। और फिर सीन शिफ्ट होकर कोमी के ग्रैंड मदर के घर पे आता है, जहाँ पर हम देखते कि कोमी अपनी फैमिली के साथ उनके ग्रैंड मदर के घर पे गई है क्रिसमस की छुट्टियाँ मनाने के लिए। और वहाँ पे पहुँचते ही उनकी ग्रैंड मदर उनका वेलकम करती है और वहाँ पे उनकी आंट भी रहती है पिछली बार की तरह। और वो पिछली बार की तरह कोमी की मॉम से आके पहले मिलती है, फिर कोमी की थोड़ी सी तारीफ करती है जो कि कोमी को ऑलरेडी पता रहता है। जैसा हमने पिछली बार देखा था, कोमी की छोटी बहन जिसका कि नाम रहता है अकीरा, वो कोमी को छुप छुप को देख रही रहती है। वो भी इस बार की तरह उसे छुप छुप के देख रही रहती है। तभी कोमी उसे देखती है तो पिछली बार की तरह छुप जाती है और वो पिछली बार की तरह छुप जाती है और वो छुप के वो कोमी को देख रही रहती है, लेकिन कोमी अपनी जगह पे नहीं रहती। और कोमी एक झटके में टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ जाती है, जिसे कि देखकर अकीरा बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और भागने लग जाती है। और कोमी को लगता है कि अकीरा डर गई है, इसकी वजह से वो चिल्ला के भाग रही है। तो कोमी उसका पीछा करती है और फिर उसे पकड़ने के बाद उसे पता चलता है कि अकीरा उसे डरी नहीं रहती। अकीरा बहुत ज़्यादा खुश हो गई रहती है कोमी के आने की वजह से। और फिर हम देखते हैं कि कोमी जब अकेले एक रूम में बैठी हुई रहती है, तभी उसके पास अकीरा आती है और पूछती है कि क्या वो ये वाला गेम खेलेगी।
तो कोमी चुपचाप हाँ बोल देती है। तो ये देखकर अकीरा रोने लग जाती है और कोमी थोड़ा शॉक हो जाती है कि ये रो क्यों रही है। और कोमी ये देखती है कि अकीरा रोते रोते कार्ड्स बांटने लग गई है, और ये चीज भी देखकर कोमी थोड़ा शॉक होती है। तभी उसकी मॉम आके बताती है कि अकीरा जब बहुत ज्यादा खुश हो जाती है तब वो रोने लगती है। तो अकीरा कोमी से पूछती है कि क्या तुम्हें इस गेम के रूल मालूम है, तो कोमी सिंपली मना कर देती है। तो अकीरा उसे रूल समझाने लगती है। और गाइज इस गेम के रूल बहुत सारे, जिसके बारे में मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला, क्योंकि इस गेम के रूल बहुत ही बड़े बड़े, अगर मैं आप लोगों को ये सब बताने लगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अकीरा जब कोमी को रूल समझा रही रहती है तभी उनकी ग्रैंड मदर आके कोमी के बाजू में बैठ जाती है। तो अकीरा उनसे पूछती है कि क्या वो ये गेम खेलेगी, तो सिंपली उनकी ग्रैंड मदर हाँ बोल देती है। और उनकी ग्रैंड मदर भी कोमी को रूल समझाने लगती है, और रूल समझाते समझाते वो अकीरा को एक चैलेंज टाइप में बोलती है कि कोई मुझे इस गेम में हरा के तो दिखाए। और अकीरा ये सुनकर एक झटके में बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं आपको हरा के दिखाती हूँ। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में मैच शुरू होता है अकीरा और उसकी ग्रैंड मदर में। और गाइज मैं इस गेम को भी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि गाइज अगर मैंने गेम को डिटेल में एक्सप्लेन किया तो मुझे उसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक भी पड़ सकता है, जो कि मैं नहीं चाहता। और यही कारण है मैंने इस गेम के रूल्स को भी एक्सप्लेन नहीं किया है। लेकिन आप लोग ये मत समझना कि मैंने ये गेम्स के रूल को जानबूझ के एक्सप्लेन नहीं किया है। गाइज उस गेम्स के रूल सच में बहुत ही ज़्यादा बड़े, इसकी वजह से मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है उसे। एनीवे आगे बढ़ते हैं। और फिर गेम स्टार्ट होता है और थोड़ी देर बाद हमें लगने लगता है कि अकीरा ये गेम जीतने वाली है। तभी उनकी ग्रैंड मदर उनका घमंड तोड़ते हुए बोलती है कि क्या वो इस गेम को कंटिन्यू करना चाहती है। तो अकीरा उस गेम को बीच में से बिगाड़ देती है और अकीरा 34 पॉइंट से हार जाती है, यानी कि अकीरा 34,000 येन से हार गई अपनी ग्रैंड मदर के सामने, और उन्हें ये पैसे चुकाने भी पड़ेंगे। और ये चीज़ देखकर अकीरा रोने लग जाती है। तभी उनकी ग्रैंड मदर बोलती है कि क्या कोमी तुम ट्राई करना चाहोगी, और ये बात सुनकर कोमी शॉक होती है। लेकिन अकीरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो रोते रोते बोलती है कि कोमी प्लीज़ तुम मेरे लिए ग्रैंड मदर को हरा के दिखाओ। और ना चाहते हुए कोमी को भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे कोमी वर्सेस उनकी ग्रैंड मदर के बीच में मैच लगता है। और मैच शुरू होने से पहले अकीरा कोमी को थोड़ा गेम के रूल जो बचे हुए रहते हैं वो भी समझा देती है। और यहाँ पे मैच स्टार्ट होता है, और मैच स्टार्ट होते ही कोमी एक गलती कर देती है जो कि अकीरा देख लेती है। और अकीरा जैसे बताने जाती है तभी उनकी ग्रैंड मदर उसके मुंह पे हाथ रख देती है और बोलती है कि तुम इस गेम के बीच में कुछ भी नहीं बोल सकती है। और ये देखकर अकीरा रोने लगती है। और फिर गेम धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहता है। और फिर फाइनली कोमी की ग्रैंड मदर बोलती है कि मैं अपनी डिफीट एक्सेप्ट करती हूँ। और अकीरा ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होती है और कोमी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती है कि तुमने ग्रैंड मदर को हरा दिया फाइनली। और फिर सीन शिफ्ट के न्यू ईयर्स डे पे आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोमी और कोमी की छोटी बहन उनकी ग्रैंड मदर को हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। और विश करने के बाद कोमी की ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम लोग साल के पहले दिन मंदिर जा रहे हो। और ये बात सुनकर ये दोनों थोड़ी खुश हो जाती है। और फिर ये दोनों ड्रेस चेंज करके आती है, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले कोमी का ड्रेस देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर हम उसकी छोटी बहन का ड्रेस देखते हैं जो कि वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर ये दोनों के ड्रेस चेंज करके आने के बाद उनकी ग्रैंड मदर बोलती है कि चलो चलते हैं। और फिर ये तीनों मिलकर मंदिर पहुँचते हैं, जहाँ पर मंदिर पहुँचते ही वहाँ पर सारे जितने भी खड़े लोग रहते हैं वो लोग सारे लोग कोमी को ही देखने लगते हैं। और कोमी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही रहती है सारे लोग उसे अपने आप रास्ता देते जा रहे रहते हो। और फिर मंदिर के गेट पर पहुंचने के बाद उनकी ग्रैंड मदर कोमी से बोलते हैं कि तुम सच में यूज़फुल हो। और ये बात सुनकर कोमी थोड़ा घबरा जाती है। और फिर प्रे करते हुए कोमी की ग्रैंड मदर बोलती है कि अच्छा कोमी मेरी बात सुनो, तुमने जो लास्ट ईयर विश किया था क्या वो विश तुम्हारी पूरी हुई? तो कोमी हाँ में जवाब देती है। तो कोमी की ग्रैंड मदर बोलती है कि चलो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर मंदिर के दर्शन करने के बाद कोमी की ग्रैंड मदर बोलती है कि चलो हम लोग मंदिर के ऑफिस में विजिट करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सारे लोगों का न्यू ईयर्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन जाता है कोमी को देखकर, क्योंकि उनके लिए उनके सामने खुद के भगवान आए हुए रहते उनके हिसाब से। और वहाँ पे वो तीनों जैसे ही विजिट करते हैं वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ के जो प्रीस्ट है वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए, क्योंकि वहाँ की एक मैडन आज काम पर नहीं आई है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन वो प्रीस्ट की नज़र जैसे ही कोमी पर पड़ती है उनकी सारी टेंशन दूर हो जाती है। और फिर सीन थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं एकदम कोमी का ब्रांड न्यू नया लुक। और कोमी की ग्रैंड मदर ने भी बोला था जाओ ये तुम्हारे लिए एकदम ब्रांड न्यू नया एक्सपीरियंस होगा, तुम्हें ये चीज़ जरूर लेनी चाहिए। और कोमी के ड्रेस चेंज करके आने के बाद वहाँ के प्रीस्ट वहाँ के दूसरे मैडन के पास लेके आते हैं कोमी को। और कोमी चुपचाप जाके उस दूसरी मैडन के पास बैठ जाती है। और वो दूसरी मैडन और कोई नहीं इनाका रहती है। और इनाका कुछ देखे बगैर ही बड़बड़ बड़बड़ बोले जारी रहती है। और उसकी नज़र जैसे कोमी पर पड़ती है वो एकदम पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और वो एकदम सोचने लगती है कि यहाँ पे कोमी कहाँ से आ गई। और वो सोचती है कि अब तो मेरा हो गया, अब तो मैं स्कूल भी नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मैंने कोमी के साथ काम कर लिया है। लेकिन कोमी उसे कुछ भी नहीं बोलती, तो उसे लगता है कि कोमी ने उसे पहचाने नहीं।
तो वो अपने सर पे एक कपड़ा बांधने लगती है कि कोमी उसे अच्छे से ना पहचान पाए। और इनाका जब कपड़ा बांध लेती है अपने सर पे, वो सोच रही थी कि मैं बेट लगा सकती हूँ कि कोमी ये सब कामों में बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी, वो हर एक कस्टमर को बड़े आराम से हैंडल कर रही रहेगी। और वो कपड़ा बांध के जैसे ही कोमी की तरफ देखती है, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि कोमी बहुत ज़्यादा घबराई हुई रहती है, उसके सामने कस्टमर आ गया रहता है। और ये चीज़ देखकर इनाका भी पूरी तरीके से घबराने लग जाती है। और फिर इनाका अपने आप को बोलती है कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब जो होगा वो देखा जाएगा। और फिर इनाका हिम्मत जुटा के कोमी के पास जाती है और उसे अच्छे से समझाती है। और ये चीज़ देखकर कोमी भी इम्प्रेस होती है। और सारी चीज़ें समझने के बाद कोमी उस कस्टमर को उसका रियल प्राइस बता देती है, उसका कितना हुआ। और फिर धीरे धीरे करते करते शाम हो जाती है। और शाम होते ही वहाँ के प्रीस्ट आके बोलते हैं कि चलो आज का काम खत्म हुआ, तुम दोनों को थैंक यू। और वो थैंक यू बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और जाने से पहले कोमी इनाका को कुछ तो लिख के दिखाती है। वो लिखती है कि इनाका आज के लिए थैंक यू, और ये साल भी हम लोग मस्ती मजाक में बिताए, यही मेरी प्रार्थना है। और ये चीज़ देखकर इनाका बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश कर देते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और हम एक्स्ट्रा सीन में देखते हैं कि जब कोमी की टीम ने मैच जीत लिया था, तो कोमी के टीम के सारे मेंबर्स कोमी की तारीफ करे जा रहे रहते हैं। और कोमी ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रही रहती है। और तभी तादानू एक बुक लेके आता है, और हमें पता चलता है कि कोमी के फ्रेंड लिस्ट में चार और लोगों का नाम आ चुका है, यानी कि अभी 19 लोग हो गए और 81 लोग बचे खाली 100 होने में। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।